लगातार से कोरोना का आंकड़ा राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। 1100 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार हर जिले से अपडेट हम आपको दे रहे हैं, हर शहर से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, अपने रिपोर्टर्स को लाइव जोड़कर आप तक हर वो अपडेट पहुंचा रहे हैं, हर वो जानकारी पहुंचा रहे हैं जो सटीक है। इसी कड़ी में राजेंद्र भारद्वाज कोटा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कोटा में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं लॉकडाउन के दूसरे फेज में? मनीषा, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ताजा जानकारी दे दूं कि कोटा में जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा था वो 86 हो चुका है। अगर कल बात करें तो यहाँ पर लगातार 21 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए थे, मगर आज जिस तरह से अभी डॉक्टर विजय सरदाना जो यहाँ के प्रिंसिपल है उन्होंने जिस तरह से पुष्टि की, 2 मरीज और बढ़े हैं, तो ये आंकड़ा 84 से बढ़कर 86 हो चुका है। और लगातार जिस तरह के इंतजामों की बात की जाती है तो इंतजाम यहाँ पर 4 थाना क्षेत्रों को बिल्कुल महाकर्फ्यू की तरह लॉकडाउन कर रखा है और वहां पर सिर्फ जरूरत के जो सामान है वो भी जिला प्रशासन जो पहुंचा रहा है वही पहुंचाए जा रहे हैं। आम लोगों की आवाजाही वहां पर पूर्ण तरह बंद कर दी है, मगर मकबरा, घंटाघर और जो चंद्रकटा का जो एरिया है वहां पर लगातार एक ही क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है और लगातार यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोटा का हॉटस्पॉट कोरोना स्पॉट क्षेत्र बढ़ा हुआ है। तो लगातार मनीषा जिस तरह की बात की जाए तो कोटा प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और लगातार उन क्षेत्रों पर निगरानी रखा गया है जहां पर कोरोना पॉजिटिव अधिकतर तादाद में मिल रहे हैं। जी मनीषा जी, राजेंद्र देखिए, लगातार आवाजाही तो लोगों की बंद है, ऐसे में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां से लोग बाहर नहीं आ सकते। राहत सामग्री, खाद्य सामग्री किस प्रकार उन तक पहुंचाई जा रही है, किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है? बिल्कुल मनीषा, जिसके नगर निगम कोटा है, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर खाद्य सामग्री के पैकेट और जो खाद्य सामग्री जो लोगों के द्वारा घरों पे बनाई जा सकती है उसकी गाड़ियों के द्वारा वहां पर पहुंचाई जा रही है। मगर इसमें एक बात जरूर सामने आ रही है कि जब खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है तो काफी भीड़ जुट जाती है और भीड़ जुटने के बाद कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती है, तो इस पर कोटा जिला प्रशासन को कड़े नियम कानून कायदे से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए इन खाद्य सामग्रियों को पहुंचाना होगा। मगर कहीं ना कहीं कोटा में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना उन महाकर्फ्यू क्षेत्रों में अभी तक नहीं हो रही है जहां पर इनकी पालना अत्यधिक आवश्यक है। कोटा कोचिंग सिटी है, कोचिंग सिटी होने के बावजूद यहाँ पर लाखों बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे कोटा की कोटा पर जो नजरें हैं पूरे देश की जुटी हुई है तो कहीं ना कहीं कोरोना से प्रकोप से बचाने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन को और मुस्तैद होना पड़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका। आपको बता दें कि जिस प्रकार से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हर जगह, बात अगर जयपुर की भी करें तो 483 यानी कि सबसे ज्यादा संख्या जयपुर में है। जयपुर में बहुत संवेदनशील हालात हैं, लगातार 1100 के पार राजस्थान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में संवेदनशील होकर, सजग होकर, बहुत सही से हर कदम उठाने की जरूरत है, बहुत सजग होकर हर एक कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन अपनी ड्यूटी जो वॉरियर्स निभा रहे हैं, डॉक्टर्स की अगर बात करें तो काफी टाइम से अपने घर नहीं गए हैं, हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं, उन मरीजों के साथ में उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। 1 मीटर का दायरा भी उन मरीजों से डॉक्टर्स नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है उन डॉक्टर्स का सम्मान करना, उन पुलिस कर्मियों का सम्मान करना जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आज राजस्थान पुलिस दिवस भी है, तो ऐसे में उन सभी पुलिस कर्मियों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि जो लोग घर पे बैठे हैं वो भगवान से प्रे कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि जिस प्रकार से माहौल लगातार खराब होता जा रहा है, स्थिति जल्दी ही कंट्रोल में आ जाए और जल्दी ही इस जंग को हम जीत जाएं। ग्यारह के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, सही और सटीक जानकारी देना हमारी प्राथमिकता है और इसी कड़ी में लगातार हर जिले से रिपोर्टर्स को लाइव जोड़कर आप तक हर वो खबर हम पहुंचा रहे हैं जो बहुत जरूरी है, ताजा